हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है ये लार्सन एंड क्यूब्रो की तरफ से आ रही है, L&T टेक्नोलॉजी। गाइज, यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात ये है गाइज, यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। या फिर आप लोग 2022 के कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2016 से लेकर 2022 तक के बैच वाले स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। एंड आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि गाइस जो हमारी अपडेट यूट्यूब से छूट जाती है वो मैं आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देती हूँ। वहाँ जाकर आप लोग सभी वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी अपडेट हो, जैसे कि कोई भी आप लोग की गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई ऐसी अदर अपडेट हो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका लास्ट डेट होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं फॉर्म भरना, तो मैं आप लोगों को उसका जो है एक बार नोटिफाई कर देती हूँ कि इसका लास्ट डेट है, आप इसको अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा इसके लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी जो है अपडेट दे देती हूँ। आप लोगों के लिए यहाँ काफ़ी अच्छी अपडेट है, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर क्लिक करना है, अप्लाई लिंक पर जाकर। जैसे ही आप लोग वहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके का टैब ओपन हो जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्या करना है, जब आप लोग इस तरीके के टैब पर आ जाएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारी आप लोगों को जॉब अपडेट देखने के लिए मिलेंगी जो अलग अलग फील्ड में हैं। आप किस फील्ड में हैं, किस क्षेत्र में हैं, वो आप लोगों को देखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ सबसे पहले इसके डिपार्टमेंट बता देती हूँ। डिपार्टमेंट जैसे आप लोगों के रहने वाले हैं, यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर आप बिजनेस या डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ में अलग अलग लोकेशन, देखिए, अगर आप लोग हैवी सिविल जो है आप लोग का है सिविल से रिलेवेंट हैं, या फिर किसी भी आप लोग एनर्जी सेक्टर में जाना चाहते हैं L&T के, वहाँ जा सकते हैं। वाटर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर दिया गया है। ये पावर सेक्टर में निकाली गई है, या जो आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन होता है उस क्षेत्र में है। हैवी सिविल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग का होता है, हैवी सिविल व्हीकल्स वगैरह, साथ में L&T वाल वगैरह बिल्डिंग के क्षेत्र में। तो ये सभी आप लोगों की यहाँ आपके डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई हैं। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी तरीके से L&T में हैवी जो आप लोगों की हैवी वगैरह वर्क रहता है, हैवी इंजीनियरिंग में, तो आप लोग जिसमें चाहे उसमें क्लिक कीजिए। ये आप लोगों को 1 2 इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये सभी वैकेंसीज हैं। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आप लोग को इस वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे, L&T हाइड्रोकार्बन वाले में। इससे भी ज़्यादा देखिए इसमें है जो आप लोग का सिविल वाला डिपार्टमेंट है। तो अगर आप लोग एक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए, देख लीजिए। बाकी आप लोग का दूसरा तरीका है, आप लोग सभी पे जाना है तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर देना है। और देखिए लोकेशन कितना सारा दिया गया है, लोकेशन आप लोग अपने अकॉर्डिंग, दिल्ली की देखनी है तो दिल्ली पे क्लिक कीजिए, सारी वैकेंसी दिल्ली की देखने के लिए मिलेंगी। अगर यहाँ वडोदरा की देखनी है, नावी मुंबई, जिस बेंगलुरु, सूरत, जिस भी लोकेशन की आप लोगों को जॉब अपडेट देखनी है उस पर क्लिक कीजिए, सिर्फ उसी लोकेशन की आप लोगों को जॉब अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को फिलहाल यहाँ सभी दिखाने वाली हूँ, एक्सप्लोर ऑल, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ काफ़ी सारी जॉब अपडेट आपके सामने आ चुकी है। यहाँ आप लोग देखिए, जो आप लोग का मुंबई की तरफ से है, ये मुंबई सिविल एग्जीक्यूटिव मुंबई। अब आपको यहाँ कैसे पता चलेगा, देखिए ये आप लोग का सिविल की तरफ से मुंबई लोकेशन है, और आप लोग का रिक्वायरमेंट जो एक्सपीरियंस है 3 से 10 साल का है। अब यहाँ आप लोग ये एक्सपीरियंस वाले हैं तो एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर देंगे। एक्सपीरियंस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपडेट निकाली जाती है। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ भी आप लोग एक्सपीरियंस अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस एक बार चेक कर लीजिए, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेशर्स वालों की। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेशर्स वालों की आप लोग थर्ड नंबर के पेज नंबर पर आ जाएंगे। देखिए मैंने ये थ्री वाला जो पेज नंबर है इस पर क्लिक किया है। आप लोग इस पेज नंबर पर आएंगे तो यहाँ सबसे पहले आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी फ्रेशर्स की जॉब, अकाउंटेंट की। ये किस में, किस क्षेत्र में, L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में है। फ्रेशर वालों की मतलब 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर है। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप लोग को पूरी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है।
जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो आप लोग के चार्टर्ड अकाउंट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर या फिर अदर भी यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, ये आप लोग का क्वालिफिकेशन रहेगा। तो ये तो है गाइस नॉन टेक्निकल वालों के लिए। अब इसी तरीके से आप लोग फोर पेज नंबर पे आएंगे, जब आप लोग फोर नंबर का पेज नंबर है इस पर क्लिक करेंगे, तो मैंने देखिए ये रेड हो रहा है तो इस पर क्लिक कर रखा है। तो आप लोगों को 1 ईयर एक्सपीरियंस वालों के लिए, मतलब 1 ईयर जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। इंजीनियर की पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी और L&T एनर्जी आप लोग का डिपार्टमेंट रहेगा हाइड्रोकार्बन, और वह 1 से लेकर 6 साल तक का आपके पास एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से मैंने अभी आप लोग को जॉब अपडेट ओपन करके दिखाई, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, पूरी फुल जानकारी आप लोग ले सकते हैं। 2 साल वाले जूनियर इंजीनियर के लिए जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर 3 ईयर का एक्सपीरियंस है मिनिमम, वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को कम से कम एक्सपीरियंस वालों का बता दिया फ्रेशर। अब मैं और भी आप लोगों को ऐसी ही जॉब अपडेट बता देती हूँ जिससे कि आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस अब आप लोगों को लास्ट में क्या करना है, 10 नंबर जो 10 पेज नंबर उस पर जाना है। यहाँ आप लोगों के 1 ईयर एक्सपीरियंस वालों के लिए देखने को मिल जाएगी सीनियर इंजीनियर की जॉब। ये आप लोगों को 1 ईयर एक्सपीरियंस वालों के लिए कम से मिनिमम एक्सपीरियंस बता रही हूँ और फ्रेशर वालों की बता रही हूँ। तो मिनिमम से मिनिमम एक्सपीरियंस, देखिए हायर एक्सपीरियंस वालों के लिए तो हर जगह जॉब मिल जाती है, बट मिनिमम एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है। देन आप लोगों को क्या करना है, 11 पेज नंबर पे आना है। 11 पेज नंबर पर आप लोग क्लिक करेंगे तो फ्रेशर वालों की यहाँ पर जॉब अपडेट देखने के लिए मिलेगी। देखिए दो यहाँ जिस जो आप लोग फ्रेशर हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग 0-2 ईयर एक्सपीरियंस वाले, और इसी तरीके से जो हमारे टेक्निकल वाले हैं वो यहाँ अप्लाई करेंगे। सीनियर इंजीनियर के लिए 0-2 ईयर एक्सपीरियंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, यहाँ 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, यहाँ भी आप लोग का 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 11 पेज नंबर पर काफ़ी सारी जॉब अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिली है, बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। अब गाइस बेसिकली मैं आप लोग को बहुत अच्छी यहाँ पर जॉब बताने वाली हूँ। यहाँ आप लोग को सर्च करना है ट्रेनी सर्च कर सकते हैं या फिर आप लोग इंजीनियर सर्च कर सकते हैं, आप लोग जो चाहे सर्च कर सकते हैं। ट्रेनी आप लोग सर्च करेंगे तो देखिए फ्रेशर्स की यहाँ पर जॉब आ चुकी है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। मैंने आप लोग को इसके बारे में स्टार्टिंग में बता दिया था, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। और गाइस आप लोग देखिए ये जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, और हाँ इतना ध्यान रखें कि अगर ये जब तक साइड पे है तो इसका मतलब है कि ये जॉब अपडेट एक्सपायर नहीं हुआ है, अगर जब साइट से हट जाएगा तो जॉब एक्सपायर हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियों की कोई भी लास्ट डेट नहीं होती है, जब तक इनके स्टूडेंट कंप्लीट नहीं होते ये जब तक शो होती हैं, जब इनके स्टूडेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो ये शो नहीं होती हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो लिखा है प्लीज़ लॉग इन टू अप्लाई, तो सबसे पहले आप लोग को लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए आप लोग फ़ोन नंबर से लॉग इन कर सकते हैं या फिर अपने किसी भी मतलब जो है ईमेल आईडी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को या फोन नंबर डालना है अपना उससे कर लीजिए, या फिर आप लोग सबसे पहले साइन इन कीजिए, मतलब यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, अपना फ़ोन नंबर, देन अपना पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, और आप लोगों को साइन अप कर देना है। जब आप लोग का साइन अप हो जाएगा तो आप लोग का फॉर्म ओपन हो जाएगा और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस मैंने अपना लास्ट वीडियो में भी फॉर्म फिलअप करके बताया है, उसे एक बार चेकआउट कर लीजिए, सेम उसी तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।